आग लगाने। मैं अपनी दीदी से मिलने आई हूँ। दीदी 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 क्या हो गया? अनु का फीवर नहीं उतरा था, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रूम से बाहर आई तो अनु नहीं थी वहाँ। तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे पास टाइम ही टाइम है। तुमने जो किया है ना उसके बाद तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा, क्योंकि अभी तुम्हें नौकरी या काम करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। मैंने जो कुछ किया है वो हम सबके लिए किया है, वरना ये घर नहीं रहता, कुछ नहीं होता हमारे पास। तुमने जो किया है ना उसके बाद हमारे बीच अब कुछ हो भी नहीं सकता है, कुछ नहीं रह गया। क्या करूं मैं? तुम जैसे इंसान से शादी करके पछता रहे। मैं भी पछता रहा हूँ तुमसे शादी करके। मैं फिर 2 मिनट के लिए अंदर कमरे में गई अनन्या की फाइल्स और चीजें लाने। और जब वापस हॉल में लौटी तो अनु, अनु आपने मेरी बेटी को देखा? नहीं। अनु भाई साहब आपने मेरी बेटी को देखा? नहीं। कोई नहीं। अनु कहाँ है? हेलो, अब क्या है? अनन्या को तुम ले गए हो? अरे तुम्हारे सामने तो घर से बाहर निकला हूँ। अनन्या तुम्हारे पास है कि नहीं? नहीं, क्यों? अनन्या को ले गए। पूरी कॉलोनी हमने अच्छे से चेक कर ली मगर बच्ची का कहीं पता नहीं चला। आप लोगों को किसी पर शक? मुझे पता था मुझे कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक दिन उस बच्ची को भुगतना पड़ेगा। पापा, एक तो अनन्या का कुछ पता नहीं चल रहा, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और क्या करूं मैं, तुम्हारे घर के अंदर से तुम्हारी बच्ची अगवा हो गई, हद है तुम तोड़ोगी लापरवाही की। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। दीदी दरवाजा खोल दो ना। दीदी उठाइए और स्पीकर पे डालिए। हेलो, तुम्हारी बच्ची मेरे पास है। कौन बोल रहे हो तुम? मैं कौन हूँ इसकी फिक्र छोड़ो और अपनी बेटी की चिंता करो। अगर बेटी सही सलामत चाहते हो तो पैसे का इंतजाम करो। देखो, अगर मेरी अनन्या को कुछ हो गया ना तो मेरी बात काटो मत वरना बच्ची को काट के फेंक दूंगी। अब सुनो, कल शाम 4 बजे तक 5 करोड़ की रकम तैयार रखना। और पुलिस अगर ये सुन रही है तो उनसे भी कह दो कि बीच में टांग नहीं अड़ाए वरना बच्ची की मौत के जिम्मेदार तुम्हारे साथ वो भी होंगे। लेकिन सुनो मेरी अनन्या। अनु बेटा, तो सुन लिया? उसे दोबारा सुनना और देखना चाहते हो तो याद रखना 5 करोड़ कल शाम तक। हाँ, लेकिन हेलो हेलो हेलो, राम सिंह, इस नंबर का लोकेशन ट्रेस कराओ और किसका नंबर पता करो जल्दी। यस सर। 5 करोड़ रुपया? तो मुश्किल से साल के 5 लाख कमा पाते हैं, 5 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? क्या हुआ? अनु का कुछ पता चला? हाँ, वो एक फोन आया था अभी। फोन आया था?
ये कहना मेरी बच्ची, बताइए क्या बात हुई? हेलो रितेश, कहाँ हो तुम? क्लाइंट का कंप्यूटर रिपेयर करना है, तुम अभी तक वहां पहुंचे क्यों नहीं? सर मेरे घर में इमरजेंसी आ गई, इसलिए मैं। रितेश इमरजेंसी यहाँ भी है, सीबीआई का ऑफिस है, और तुम्हारे अलावा मेरे पास इस समय और कोई इंजीनियर नहीं है। प्लीज आधे घंटे का काम है। ठीक है सर, आप जाइए, मैं पूछताछ करता हूँ, जैसे कुछ पता चलेगा मैं बताता हूँ। अनु को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे अच्छा बोले तो सुम आ गए, मेरे कंप्यूटर सुबह से हैंग हो रहा है। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या हुआ? नहीं सर कुछ नहीं। कुछ क्या नहीं हुआ? हमारा ध्यान बार बार फोन की ओर जा रहा है, और मेरे आंखें लाल, क्या हुआ है? सर मेरी बच्ची को। याद रखना 5 करोड़ कल शाम तक। हाँ लेकिन हेलो 5 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 5 लाख रुपए कभी नहीं देखे। कैसा किडनैपर है? किडनैपर किडनैपिंग से पहले ज्यादातर अपना होमवर्क ठीक से करता है। अब एक आम आदमी की बेटी अगवा करके उसे इतनी बड़ी रकम की उम्मीद करना, does it even make sense? मैं किसी भी वर्षा का नहीं सर, मैं तो कंप्यूटर ठीक करने वाला एक मामूली सा टेक्नीशियन हूँ, मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? रितेश तो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं सर। फोन उठाओ, लाउड स्पीकर पे रखना। हेलो, पैसों का इंतजाम हुआ? देखो मैं सारी जिंदगी भी कोशिश करूंगा तो भी 5 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा। मैं सब कुछ बेच-बाज के 5-6 लाख का इंतजाम कर सकता हूँ। 5 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं। अरे नहीं है मेरे पास 5 करोड़ रुपए। ठीक है कम कर लेती हूँ। 4,99,99,999 रुपए कल शाम 4 बजे तक, वरना। हेलो हेलो हेलो, फीमेल किडनैपर। हमें धोखा देने के लिए वॉइस मॉड्यूलेटर से आवाज बदली भी जा सकती है। कौन से? नितेश तुम कर रहे हो, हम लोग कुछ देर में वहीं आते हैं। और हाँ, इस केस पे जो इंस्पेक्टर है उससे कहना कि अब ये केस सीबीआई देगी। डोंट वरी, मैं अन्य को कुछ नहीं होने दूंगा। थैंक यू सर। राघव, व्हाट अबाउट प्रोटोकॉल एंड ज्यूरिसडिक्शन? 2 साल की बच्ची की जान के आगे कुछ भी नहीं होता। ये केस उतना आसान नहीं जितना लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो किडनैपर घर के अंदर से माँ बाप की नाक के नीचे से बच्ची को अगवा करके ले जाए, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि रैंसम में कुछ भी रकम डिमांड करे। वो इतनी सारी प्लानिंग के बाद इतना बड़ा नुकसान नहीं होने देगा। तो तुम कह रहे हो कि नितेश के पास 5 करोड़ हैं? वो घड़ी जो नितेश ने पहनी थी, कम से कम 3 लाख रुपए। नितेश की एनुअल इनकम मैक्सिमम 5 लाख रुपए और हाथ में 3 लाख की घड़ी। इन 5 करोड़ रुपए के पीछे कुछ तो बात। विक्रम,
है उसमें। नीवी जल्दी क्या है, क्या है इसमें? इसमें 5 करोड़ रुपए। कहाँ से? मैं गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी कंपनी की तरफ से बड़े बड़े ऑफिशियल्स के यहाँ कंप्यूटर रिपेयर करने जाता। पिछले महीने मिस्टर बंसल उनके घर का कंप्यूटर खराब हो गया था। जब मैं कंप्यूटर ठीक करके उन्हें वापस देने गया तो सर आपका कंप्यूटर ठीक हो गया। क्यों ले गया था तू? क्यों ले गया था? उसको यहीं पर ठीक नहीं कर सकता था तू? सर आपकी वाइफ ने कहा था कि मैं इसे घर लेके जा सकता हूँ। अरे वो तो बेवकूफ है, तुम्हें तो अकल होनी चाहिए ना। मुझे पता है इसमें कितनी इम्पोर्टेंट फाइल है मेरी। सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने कोई फाइल देखी नहीं है। पक्का? पर अगर आप रिंग रोड पर बन रहे 3 फ्लाईओवर्स के टेंडर की बात कर रहे हैं तो सब कुछ पढ़ लिया तूने कि आपने किस तरह नकली टेंडर के जरिए सरकार से 111 करोड़ रुपए हथिया है। तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? पहले तो कुछ करे, मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां तेरा भगवान भी तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। सर इतना कच्चा खिलाड़ी तो मैं भी नहीं, आपको बहुत अच्छी तरह जानता। उसकी एक कॉपी मेरे पास है, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो सच्चाई सबके सामने आई जाएगी और कानून के हाथ आप तक पहुंच ही जाएंगे। एक रास्ता है हमारे पास। कैसा रास्ता? आओ मेरे साथ। मादिक तुम इधर ही रुको, आओ। पांच करोड़ एक झटके में तेरी जिंदगी के सारे मसले हल हो गए और बोनस के तौर पे ये ले, पूरे 3 लाख की है। पिछली बार इसकी बहुत तारीफ कर रहा था ना, ये ले। सर इतना सारा रुपया देखकर मैं बहक गया। मुझ पर बैंक का 40 लाख का कर्जा है। इतने सालों से अपना घर खरीदने की कोशिश भी नाकाम रही। मुझे लगा इन रुपयों से मेरी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन इन रुपयों को घर लाते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अगले दिन मिस्टर बंसल को फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मैं उनका ये रुपया वापस देना चाहता हूं, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो पाई। अभी मैं हिम्मत जुटा ही रहा था कि मैं पुलिस के पास कैसे जाऊंगा कि तब तक अनन्या को किसी ने किडनैप कर लिया। तुमने इन 5 करोड़ के बारे में किसी को बताया क्या? मेरी वाइफ निधि को और पापा को भी, क्योंकि ये सारा रुपया मैंने पापा के घर में ही छुपा कर रखा था। लेकिन रुपयों के बारे में सिर्फ 4 लोगों को पता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पिता और कॉरपोरेटर बंसल, और कोई नहीं। जी हमारी तरफ से तो सिर्फ हम तीनों ही जानते थे। मिस्टर बंसल के यहाँ का मुझे पता नहीं। हो सकता है मिस्टर बंसल के यहाँ किसी को इन पैसों के बारे में पता हो और उसी ने अनन्या को किडनैप कर लिया हो। अगर ऐसा तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। इतना आसान नहीं है नितेश, बोलो इसे। मैं इसी में थे। सर सच कह रहा हूँ, इसी में पैसे रखे थे। अब चाहे तो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो अनन्या को मार देगी सर, प्लीज।
वो अनन्या को मार डालेगी सर। घर के बाहर कूड़ेदान। इधर है कूड़ेदान। ये मेरी अनन्या का खिलौना है। USB फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन के पीछे वाली रोड पर तुम्हें वो 5 करोड़ का सूटकेस मुझे लाकर देना है। एक भी मिनट की देरी हुई तो अनन्या की लाश। समझ गए ना? उसे कैसे पता कि पैसे सूटकेस में? सब किसी बैग में हो सकते हैं, स्लिंग बैग, बोरी में, थैली में, सूटकेस ही। ऑब्वियसली ये इन 5 करोड़ के बारे में पहले से ही जानती है। ये वो ये नहीं जानती कि पैसे चोरी हुए। विक्रम। यस। एक काम करो, कॉर्पोरेटर बंसल से जाकर मिलो। ओके। मेरी बच्ची ला दो। हाँ तो ठीक है ना, मैं नीतीश के फादर के यहाँ अभी जाता हूँ। फिर जरा संभल के जाना राजवीर, वहाँ एक कुत्ता है जो सीबीआई एजेंट्स पसंद नहीं। Hey, don't you worry about that. मेरी जानवरों के साथ बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल, उसमें कोई शक ही नहीं। तू मिल मुझे, मुझे देखता हूँ। Easy, easy boy. वो मांसाहारी है, बिस्किट नहीं खाता। तुम तो यहाँ पहले भी आए थे ना? कौन, मैं? हाँ। अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं नहीं था, मेरा कलीग था विक्रम, वो आया था यहाँ। अच्छा अच्छा, वो क्या है ना बेटा, बुढ़ापे और बीमारी की वजह से मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई है। I understand. क्या मैं वो जगह देख सकता हूँ जहाँ पैसों का बैग छुपा था? हाँ जरूर। ये जी, वैसे तो पूरा दिन मैं घर पर ही रहता हूँ, पर 3 दिन पहले जब मैं डॉक्टर के यहाँ से लौटा तो मैंने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा, येलो एंड ग्रीन साड़ी में, और हाँ उसके हाथ में काला बैग भी था। आपकी बहू होगी, आपसे मिलने आई होगी। पहले तो मुझे भी यही लगा, लेकिन जब मैंने उससे फोन कर पूछा तो उसने इनकार कर दिया। मुझे लगा कि बुढ़ापे की वजह से मेरी यादाश्त कमजोर हो गई है, फिर इस बारे में मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद वो नीति ही थी। आपने तो कहा था कि ये बिस्किट नहीं खाता। हाँ वो और अच्छी तरह से खा गया है वो। बंसल सर तो परसों शाम से हॉस्पिटल में है, कल रात उनका बाईपास हुआ है और वो इस वक्त आईसीयू में है। क्या बात है सर, इसे जानते हो? हाँ सर,
ये हमारे सर के सारे कंप्यूटर रिपेयरिंग करता है। क्यों, क्या क्या है इसने? आपको पैसों की डील के बारे में नहीं पता? कैसे पैसे? मुझे कुछ नहीं पता। ओके, थैंक यू। अनदर डेड एंड। कॉर्पोरेटर बंसल से तो कुछ पता लगने से रहा। अनन्या की किडनैपिंग से एक दिन पहले तो वो हॉस्पिटल में। व्हाट अबाउट उसका पीए महादेव? I'm sure उसे उन पैसों की डीलिंग के बारे में जरूर पता होगा। हाँ, तो हो सकता है वो मालिक, मालिक राइट, वो इस किडनैपिंग के पीछे हो सकता है। जो वीडियो नितेश को भेजा गया था, विक्रम उसे प्ले करने के लिए। ओके। इतनी प्यारी बच्ची, इतनी खुश लग रही है ना? करेक्ट। इसे ऐसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि किसे किसी अनजान आदमी ने किडनैप किया। विक्रम पॉज करना है। जिस कह रहा था कि अनन्या कुछ दिनों से बीमार थी। ये देखो। मेडिसिन बॉटल्स। करेक्ट। कोई उसे समय समय पर उसकी दवाइयां दे रहा है। यही नहीं, उसके बाल भी अच्छे तरह बने हुए हैं और कपड़े भी साफ सुथरे। यही नहीं, उसकी खाने पीने की चीजें भी आसपास ही रखी हुई। वो इस बच्ची का ऐसे ख्याल रख रहा है जैसे वो उसकी माँ हो। एग्जैक्ट। यू नो, नीतीश के फादर ने निधि को वहां देखा था। हो सकता है पैसे उसी ने चुराया। देखो एक बार दोबारा रिवाइंड करके प्ले कर। आप लोग होश में तो है? आपको लगता है कि मैंने किडनैप किया है अपनी बेटी को? जिस समय अनन्या गायब हुई घर में सिर्फ तुम और वो थे। हाँ, लेकिन मैं अंदर कमरे में थी और जब मैं बाहर आई तो अनन्या नहीं थी वहाँ। लेकिन ये तुम्हारा क्या क्या सबूत है इसका? जिस वक्त किडनैपर का पहला कॉल आया तब तुम कमरे में नहीं। अनु का कुछ पता चला? एक फोन आया था अभी। मैं बाथरूम में मुंह धोने के लिए गई थी। आप लोग ये क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। आप लोगों को लगता है कि मैं अपने ही पति से पैसे लेने के लिए अपनी ही बच्ची को किडनैप करूंगी? नितेश ने हमें बताया कि पिछले कुछ महीनों से आप दोनों के बीच बहुत तनाव चल रहा है। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले आपने उसे छोड़ने तक की धमकी दी। चाहे तुम डर गई थी कि नितेश को छोड़ने के बाद उन 5 करोड़ में से तुम्हें कुछ ना मिले, इसलिए तुमने बस कीजिए, प्लीज बस कीजिए, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। क्या नितेश ने आपको ये बताया कि मैंने ही मना किया था उसे वो पैसे लेने से? बताया उसने? यही एक वो वजह थी जिसके कारण मैं उसे छोड़ना चाहती थी। मैं अपनी बच्ची को कम पैसों में पाल लेती, लेकिन मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए थी। बताया उसने आपको ये? और आप लोगों को लगता है कि उन पैसों के लिए? तो फिर उस वीडियो में अनन्या ने अपने किडनैपर को मम्मा क्यों? ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन। आपकी एक बहन, एक जिसके साथ अनन्या काफी घुल मिल गई। अनु कभी कभी मेघा को भी मम्मा बुलाती। मेघा को उन 5 करोड़ के बारे में कैसे बताया? क्योंकि मैंने ही बताया था उसे। ये बात मैंने नीतीश से छुपाई क्योंकि मेघा और नीतीश एक दूसरे से नफरत करते हैं। मेघा को बुटीक खोलने के लिए पैसों की जरूरत थी। Thank you.
आप लोग? सीबीआई से। क्या हम अंदर आ सकते हैं? शॉप सॉरी, मैं वो खाना बना रही थी ना, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। अच्छा, वो अनन्या की कोई खबर? नहीं। ये खिलौना अनन्या का ही है, राइट? हाँ, वो दीदी अक्सर आती रहती है ना, तो लास्ट टाइम यही भूल गई थी। मेघा एक बात बताओ, निधि ने कहा था कि उसने तुमसे पैसों को लेकर कुछ कुछ बताया? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ हैं। येलो एंड ग्रीन साड़ी में, और हाँ, उसके हाथ में काला बैग भी था। थोड़ा पानी मिलेगा? ना। शॉ, आप बैठिए। जी। सुन, यही है जिसने पैसे चुराए। तुम्हें कैसे पता? वो येलो और ग्रीन कलर की साड़ी दिख रही है? हाँ। नितेश के डैड ने यही साड़ी इस घर में देखी। उन्होंने निधि को देखा था, मेघा को नहीं। तो बात ऐसी है कि जब मैं वहां गया था तो उन्हें लगा कि तुम हो, ठीक है? अब तू ही सोच, जो आदमी तुझ में और मुझ में फर्क नहीं बता सकता, वो इन दोनों सगी बहनों में क्या फर्क बताएगा? और उसने मुझे ये भी कहा कि उसकी आंखें जो है थोड़ी कमजोर है, उसे सही से दिखाई नहीं देती। समझा? करेक्ट। तो मुझे लगता है पैसे यहीं कहीं। मेघा, तुम्हें किसी पर शक है? तुम्हारी भांजी को कौन लेकर जा सकता है? हाँ, मुझे मेरे जीजू पर शक है। जरा सोचिए, उस दिन जब दीदी अपने कमरे में गई थी, तो आप कह रही है कि एक बाप अपनी बेटी को किडनैप करके अपने आप से ही पैसे मांगेगा? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ना कि पैसे उनके पास नहीं है, पैसे तो उनके फादर के पास है। मैं समझा नहीं। इट्स वेरी सिंपल, बाप बेटे की लाइफ में कभी नहीं बनी, और नितिश के पिता मिस्टर भगत ने खुद वो पैसे चुराए हैं, और अब उनका ही बेटा अपनी बेटी को किडनैप करके अपने बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करके वो पैसे निकलवाना चाहते हैं बस। खैर, हमें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको सीबीआई बुला देंगे। अब तक के लिए हम थैंक यू। राजवीर, नितिश के फादर ने कौन से कलर का बैग कहा था? काला। एक मिनट। यू मीन लाइक दिस? क्यों मेघा जी? सही बोला। और सर, मैंने वो पैसे चुराए थे, लेकिन सर, मैंने अनन्या को किडनैप नहीं किया, वो तो मेरी बेटी जैसी थी। थी? I mean है। तभी तो वो तुम्हारी बेटी की तरह और तुम उसकी माँ की तरह। सर, मैं बता रही हूँ, ये सारा करा धरा मेरे जीजाजी का ही है। अब ये कौन सी नई थ्योरी है? जो आदमी लालच के लिए अपना जमीर बेच सकता है, वो मेरी दीदी को तंग करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी तक किडनैपर की कॉल ट्रेस नहीं हो पाई है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किडनैपर हमारे हाथ से निकल जाएगा। राघव, तुम्हें क्या लगता है? कहना मुश्किल है, हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है। हमें लगता है कि अनन्या की मां निधि, किसी को लगता है कि उसकी बहन मेघा है,
मेघा को नितिश पर शक है और बीच में ही ये नितिन के फादर। और ये भी हो सकता है कि किडनैपिंग में किसी बाहर वाले का हाथ। मुझे तो शक अभी भी महादिक पे ही है। ये खेल वो बाहर से खेल। टॉक ऑफ द डेविल महादिक। जी महादिक जी बताइए। मिस्टर बंसल कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं। वो कल कितने बजे आ रहे? कल सुबह 10 बजे तक। ओके, हम में से कोई उनसे मिलने आएगा। अरे लेकिन 10 बजे तो किडनैपर ने बुलाया। विक्रम, राजवीर, तुम दोनों किडनैपर को हैंडल करो। बंसल से राघव और मैं मिलने जाएंगे। हाँ, ये बंसल से मिलना बहुत जरूरी है। है कि उससे कोई क्लू मिल जाए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ड्रॉप ऑफ के लिए 5 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? तुम लोग ऐसा करो, उस पर्पल सूटकेस में पैसे भर दो और नितिश को बोलो वो पैसे ले जाए। किडनैपर को वही मिलेगा जो वो चाहती है। पता चली जाएगा कि अनन्या को किडनैप किसने किया। अच्छा जाने नहीं देंगे उसे। नितिश मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे तुम्हें कहा जाए वैसे ही करना, ठीक है? जी सर। मिस्टर बंसल, अब आपकी तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है। एजेंट त्रिशा, मैंने आपके और आपके टीम के बारे में काफी सुना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहां पर क्यों बुलाया। महादिक एक मिनट बाहर जाओ। सवा 10 बज के अब तक आया ही नहीं है कोई। कहीं उसे हमारे बारे में पता। हेलो, मुझे क्या बेवकूफ समझते हो तुम? पुलिस को साथ लेकर आए हो तुम? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब गई तुम्हारी बच्ची। The end। नहीं नहीं सुनो सुनो मेरी बात। हेलो हेलो हेलो, नितिश और कुछ पैसों के बारे में बात कर रहे थे। बट कौन से पैसे? बनिए मत मिस्टर बंसल, हमें उन 5 करोड़ रुपयों के बारे में पता है जो आपने नितिश को दी। उसका मुंह बंद रखने के। कौन से 5 करोड़? मैंने उसे कोई पैसा नहीं दिए। फ्लावर के टेंडर्स। टेंडर? एजेंट राघव, आप कौन सी टेंडर की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मिस्टर बंसल, हम आपके टेंडर और करप्शन के बारे में बात करने नहीं आए। उसके लिए एंटी करप्शन वाले आपसे बात कर लेंगे। हम आपसे उस किडनैपिंग के बारे में बात करने आए। किडनैपिंग? मैं कुछ समझा नहीं, इसकी किडनैपिंग? नितिश का बच्चा एक दिन से मिसिंग है, उसका किडनैपर फिरौती में 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। वही 5 करोड़ रुपए जो आपने नितिश को दी। ओह माय गॉड, लेकिन मैंने उसे कोई पैसे नहीं दिए। मिस्टर बंसल, क्या आपके और नितिश के अलावा आपकी टीम में से कोई और उन 5 करोड़ रुपयों के बारे में जानता? देखिए, मेरी नितिश और उसकी फैमिली के लिए पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैंने उसे कोई पैसे नहीं दिए।
मैं तो खुद 3 दिन से हॉस्पिटल में था, मेरी बाईपास सर्जरी हुई है। वहां देख, वहां देख, डॉक्टर को फोन करो, मुझे यहां पर दर्द हो रहा है। आपको कुछ और पूछना है? नो थैंक यू, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए, आपके और एंटी करप्शन वालों के। मेरी परवाह करने के बजाय अगर आप उस बच्ची की परवाह करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक मिनट माडिक, मुझे मिस्टर बंसल की मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बाईपास का ढोंग कर रहा हूं? वेरी गुड, आई मस्ट से, देख लो इसमें मेरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है। मिस्टर बंसल, आपको हार्ट का प्रॉब्लम पिछले 2 सालों से, 1 महीने पहले आपने एंजियोग्राफी करवाई और आपके कार्डियक सर्जन डॉक्टर फेहा ने डिसाइड किया कि आपकी बाईपास सर्जरी होगी इस महीने की 30 तारीख को, राइट? देखा, लेकिन आपकी बाईपास सर्जरी तो उससे 10 दिन पहले ही हो गई, मतलब 20 तारीख, क्योंकि 19 तारीख को मुझे सीवियर चेस्ट पेन हुआ था, ना? दिल का दौरा। लेकिन मिस्टर बंसल, लेकिन आपकी उस दिन की ईसीजी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई दौरा नहीं पड़ा। मैं काफी डर गया था और इसीलिए मैंने अपनी सर्जरी प्रीपोन कर दी थी। ये डर था या बड़ी चालाकी से रची हुई साजिश? साजिश? कैसी साजिश? नितिश के बच्चे को किडनैप करने की साजिश, जो आपने बड़ी खूबसूरती से टाइम की अपने ऑपरेशन के साथ, ताकि किसी को आप पर शक ना। गुड प्लान। एजेंट राघव, आपका दिमाग कहीं भी दौड़ता है। मैं भला नितिश की बेटी को क्यों किडनैप करूंगा? आपसे पहले भी कह चुका हूं कि किसी भी टेंडर या पैसों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मिस्टर बंसल, क्या आप नितिश के परिवार के बारे में पहले से कुछ जानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि नितिश एक मामूली टेक्नीशियन है, और मैं ये भी नहीं जानता कि उसकी शादी हो चुकी है। तो फिर मिस्टर बंसल, जब मैंने आपसे कहा कि नितिश का बच्चा किडनैप हुआ है, तो आप कैसे पता चला कि वो एक बच्ची है? मेरी परवाह करने के बजाय अगर आप उस बच्ची की परवाह करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पर आपने एक बार नहीं, 2 बार कहा कि वो लड़की है। मैं भला नितिश की बेटी को क्यों किडनैप करूंगा? मिस्टर बंसल, प्लान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना, एक छोटी सी गलती है उसे नाकामयाब कर सकती है। नितिश की बेटी अनन्या की किडनैपिंग के पीछे आप ही। आपने ये सब क्यों किया एक 2 साल की बच्ची के साथ? पैसे की ताकत का एहसास तभी होता है जब उसकी जरूरत होती है। नितिश को उस पैसे की जरूरत नहीं थी, वो मुझे 5 करोड़ लौटाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो पुलिस को जाके इन्फॉर्म ना कर दे, इसीलिए मैंने उस पैसे को उसकी जरूरत बना दिया और उसकी वाइफ की शक्ल की एक प्रोफेशनल दाई से मैंने किडनैप करवाया और उससे 5 करोड़ मांगे। बेटा, मैं आपकी मम्मा हूं ना, मम्मा। ये लो। अब नितिश को अचानक इन पैसे की जरूरत पड़ी और उसे वो रिश्वत लेनी पड़ी और बदले में चुप भी रहना पड़ा, और बोनस में मेरा 5 करोड़ मेरे पास वापस आ जाता। इसे ही कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। अनन्या कहाँ है? अनन्या? अनन्या मेरे इशारे की नोक पर है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो इस राज को राज ही रखो और चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। मैं आप लोगों को यह इसलिए बता रहा हूं
कि आप लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पूरा सिस्टम मेरी जेब। अगर आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर भी लिया तो क्या होगा, मैं दे दिलाकर छूट जाऊं। अगर एक मामूली से टेक्नीशियन को मैं 5 करोड़ दे सकता हूं तो अंदाजा लगा सकते हो। ऐसा तो फिर वहां वहां तक जाना ही क्यों? आपके पैसे बचा देते। अगर तुमने गोली चलाई तो वो अनन्या को मार देगी। अगर अनन्या को कुछ भी हुआ तो मैं आपकी जान ले लूंगा। तुम्हारे बारे में होमवर्क किया है मैंने, तुमने आज तक किसी को नहीं मारा। There's always a first time, Mr. Vincent. और हाँ, मैंने आज तक किसी बेकसूर की जान नहीं ली। मुझे साबित करना ही होगा, अनन्या को चाहे कुछ हो जाए लेकिन बाप की जिंदगी मौत को बायपास करके जाने वाली। गोली मत चलाना। कहाँ हो तुम अपने? यहाँ। घबरा मत, जो इंसान एक 2 साल की छोटी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है उसके पास तो दिल ही नहीं होगा। एक मिनट रुको रुको रुको, गोदावरी तुम बच्ची को कुछ मत करना। बताओगे उस जगह का पता तो फिर होगी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। थैंक यू। यू आर वेलकम। गुड जॉब राका। और आपके मुंह से तारीफ? आदत नहीं है।